हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं घिया की सब्जी। घिया की सब्जी आज दो प्रकार से बनाएंगे, एक दही वाली घिया की सब्जी और एक टमाटर वाली घिया की सब्जी। घिया की सब्जी बनाने के लिए चाहिए, घिया को छील करके और छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। घिया चाहिए, महीन कटी हुई अदरक, महीन कटी हुई हरी मिर्च, नमक, दही, सूखा धनिया। आजकल हरा धनिया नहीं आ रहा है बारिश की वजह से, इसलिए सूखा धनिया यूज़ कर रहे हैं। अगर हरा धनिया हो आपके पास तो हरा धनिया यूज़ कर सकते हैं। नींबू, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, जीरा, घी, टमाटर और पानी। गैस पर एक कुकर रखेंगे, कुकर में डालेंगे घी करीब 1.5 टीस्पून। घी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। सबसे पहले हम टमाटर वाली घिया की सब्जी बना रहे हैं। घी जब गर्म हो जाएगा, घी में डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। ये 3 कप के करीब घिया है और पानी में भिगो दिया है। आप काटने के बाद घिया को पानी में भिगो दें, जिससे कि वो सूखे ना, काली काली ना हो घिया। जीरा भुन गया है, आप कुकर में डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग पाउडर, 1 टीस्पून अदरक महीन कटी हुई या अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली या अपने टेस्ट के अनुसार, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और हल्का सा भून लेंगे इसको करीब 30 सेकंड के लिए। भूनने के बाद घिया डाल देंगे। हाफ कप के करीब पानी डालेंगे, एक टमाटर डालेंगे मीडियम साइज का, 1/2 पीसेस में कटा हुआ। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीस करके भी घिया में डाल सकते हैं और मिक्स कर देंगे। काफ़ी लोगों को टमाटर का टेस्ट पसंद होता है, लेकिन टमाटर मुंह में आना पसंद नहीं होता कि टमाटर के छिलके या टमाटर का पीस मुंह में आए। तो आप इस तरीके से 2 पीस में करके टमाटर को डाल दें और जब घिया बनेगी, उबल जाएगी, उसके बाद टमाटर के पीस को निकाल देंगे, जिससे कि टमाटर का टेस्ट भी होगा लेकिन टमाटर के पीस मुंह में नहीं आएंगे। नमक टेस्ट के अनुसार। अब कुकर को बंद कर देंगे, घिया के सॉफ्ट होने तक घिया को उबालेंगे। घिया पक गई है या नहीं, करीब 4 सीटी लिए हैं हमने कुकर में। जब सीटी कुकर में से निकल जाएगी तब हम कुकर को खोलेंगे। घिया पक गई है, आप घिया को इस तरीके से दबा करके देख लें। गैस को ऑन कर देंगे, हल्का सा घिया को इस तरीके से मैश कर देंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, आप चाहें तो टमाटर के पीस को इस तरीके से हटा भी सकते हैं, और या आप चाहें तो इसमें ही डले रहने देंगे टमाटरों को। अब थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मिक्स कर देंगे। करीब 1 मिनट तक घिया की सब्जी को खदकने देंगे। घिया की सब्जी में पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं आप, जितना पतला रखना हो घिया को या जितनी सूखी रखनी हो, उस हिसाब से पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। घिया की सब्जी तैयार है, गैस को बंद कर देंगे। अब घिया में डालेंगे करीब 1 टीस्पून नींबू। वैसे टमाटर भी खट्टा होता है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। टमाटर वाली घिया की सब्जी तैयार है, एक बॉल में निकाल लेंगे सब्जी को। अब दही वाली घिया की सब्जी बनाएंगे। 1.5 टीस्पून के करीब घी डालेंगे। घी जब गर्म हो जाएगा, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। 3 कप घिया को छील करके और काट लिया है छोटे छोटे पीसों में। जीरा जब चटकने लगेगा, हींग डालेंगे चुटकी भर, जरा सी सी हरी मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर या अपने टेस्ट के अनुसार मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद घिया डालेंगे, पानी डालेंगे 1/2 कप के करीब और मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार और कुकर को बंद कर देंगे और घिया को
एकदम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। घिया की सब्जी उबल गई है, कुकर को खोल लेंगे। आप उसी तरीके से चम्मच से या कलछी से दबा करके देख लें कि घिया दब रही है या नहीं। हल्का सा मैश कर लेंगे घिया को, गैस को ऑन कर देंगे। काफ़ी लोगों को मैश की हुई घिया पसंद नहीं होती है, उनको पीसेस चाहिए होते हैं, तो आप मैश ना करें घिया को। 2 टेबल स्पून दही डालेंगे घिया में, मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और करीब 1 से 1.5 मिनट तक स्लो गैस पर पकाएंगे घिया को। घिया बन करके तैयार है, गैस को बंद कर देंगे और करीब 1 टीस्पून नींबू डालेंगे। वैसे दही से खट्टी हो जाती है सब्जी, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार नींबू डालें और मिक्स कर देंगे। घिया की सब्जी को एक बॉल में निकाल लेंगे। दही वाली घिया की सब्जी भी तैयार हो गई है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सकें। दही वाली घिया की सब्जी और टमाटर वाली घिया की सब्जी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू।